discussing standard 3 English 1 unit number 4 and chapter number 2 a little fish story. This is the part 4, unit number 4, part number 4. Okay, so in the last video we write the meanings of hard words, new words of this lesson, and the lesson was remaining. Let's start the lesson, a little fish story. Meaning से जो आपने लिखे हुए हैं, please keep with you so that you can understand the lesson by the meanings of hard words. Okay? So take out your textbook and open the page number 38. A little fish story. There are a great many million fish in the sea. मिलियन मीन्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स. तो जो सीज होते हैं उसके अंदर बहुत सारी फिश है, वो होती है. फिर क्या है, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. सीज जो होते हैं उसमें तो बहुत सारे फिश होती है, लेकिन ये जो स्टोरी है वो उनमें से एक फिश की स्टोरी है. एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. और ये जो फिश है वो बहुत ही छोटी सी फीस है ना. सीज में तो बहुत सारी फीस होती है, अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग कलर्स की होती है, अलग अलग साइज की. कुछ मछलियां बड़ी होती है, कुछ मछलियां छोटी छोटी होती है, लेकिन ये जो सभी फीस है उनमें से सिर्फ एक फीस की यहाँ पे स्टोरी दी गई है. और ये जो फीस है वो कैसी है, बहुत ही छोटी है, टाइनी है ना. नाउ दिस लिटिल फीस है एवरीथिंग इन द सी. अब ये जो फीस है, ये जो लिटिल फीस है, छोटी सी फीस है, फीस है वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है ना. तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो फीस है उसके पास पानी में, सीज में सब कुछ था जो उससे उसको संतोष मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा सब कुछ उसके पास, उसके पानी में उसके पास था. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन वो हैप्पी नहीं था, है ना. ये जो फीस है वो हैप्पी नहीं थी. ये फीस है वो कैसी है, ही फीस है. ही यानी बॉय है ना, सी हो तो गर्ल. तो उसके पास सी में उसके सब कुछ, उसको जो संतोष थे वो सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी वो क्या थी, खुश नहीं थी. बट ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. अगर मैं बताऊं कि वो खुश क्यों नहीं था तो आप हंसने लगोगे. तो क्यों खुश नहीं था, ऐसा क्या है जिससे हमें हंसी आए. सो ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो अनहैप्पी था क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल था, बहुत ही छोटा था. उसकी जो साइज है वो छोटी थी, इसीलिए वो अनहैप्पी था. ये जो फीस है, यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये जो है छोटी सी फीस है, लिटिल फीस है, जो क्या है, अनहैप्पी दिख रही है. बिकॉज क्यों अनहैप्पी है, बिकॉज सी वो सॉरी ही वॉज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी थी. तो वो अपने आप को दूसरी फीस जो उसके आसपास थी उसके साथ कंपेयर कर रहा था. जो फीस थी वो उससे बड़ी बड़ी थी, इसीलिए वो सैड रहती थी कि मुझे इतना छोटा क्यों बनाया गया है, मैं भी काश मैं भी बड़ा होता इन मछलियों की तरह. इसीलिए वो सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्या रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, रहता था, खुश नहीं रहता था. यहाँ पे ही फीस है. इसीलिए इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइंड ऑफ अ फीस, है ना. तो बहुत ही हार्ड होता है जब फीस का एक छोटा सा गुण होना एक बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है. ये गुण से वो ऐसा कहता था ओवर एंड ओवर अगेन, और ऐसा वो बार बार कहता ही रहता था. इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई वुड बी. अगर मैं अकेला ही लार्ज होता, बहुत बड़ा होता, तो मैं कितना खुश होता. मेरे सामने सभी फीस है, वो सभी कैसी होती,
स्मॉल होती, मैं अकेला ही बहुत ही लार्ज, बहुत बड़ा होता तो मैं बहुत खुश होता. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव इट. और ये जो है सेंटेंस है, कास में बड़ा होता, कास में सबसे बड़ा होता है ना, तो वो क्या, ये जो सेंटेंस है वो बार बार कहता ही रहता है और अपने आप को हर वक्त सैड करता रहता था, है ना. एक ही एक बात है, सब कुछ होने के बाद एक चीज से हमें अनहैप्पी होना नहीं चाहिए, है ना. हमें हमको क्या मिला है वो हमें देखना चाहिए, जो दूसरों के पास नहीं भी हो शायद, इसीलिए उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए. जो हमें मिला है उसमें ही हमें ऑलवेज हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि जो मिला है वो हमारे लिए सूट होगा, है ना, हमारे लिए अच्छा होगा, इसीलिए हमें ये सब मिला है. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking. एक दिन वो क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था स्कूल के बाद, है ना, स्कूल छूटने के बाद वो स्विम कर रहा था और वो थिंकिंग और वो सोच रहा था. क्या सोच रहा था? नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. तो जो फिश है वो उसको थैंकफुल होना चाहिए कि वो कितनी लार्जर है ना. लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल टू फॉर देन ही, वो जितनी है उससे लार्जर है, इसीलिए फिश को क्या होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि वो कैसी थी, छोटी थी और उसके आसपास दूसरी सारी जो मछलियां थी वो लार्ज, उससे लार्ज थी, उससे बड़ी थी. इसीलिए वो कहता है कि मेरे से लार्ज होने के लिए ये जो सभी है उसको थैंकफुल होना चाहिए, है ना. When suddenly, और फिर अचानक क्या हुआ, ये जो सोच रहा था और अचानक विथ नो वार्निंग, कोई भी वार्निंग के बिना, कोई भी नोटिस के बिना, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मेसेज ऑफ अ ग्रेट नेम. ठीक, और ये जो है, ये जो सभी फिशेस है जो स्कूल के बाद है वो स्विमिंग कर रही थी और सभी थोड़ी देर में सडनली कोई भी वार्निंग बिना ये जो सभी फिश है उन्होंने अपने आप को एक मैसेज यानी एक नेट जो होती है मछली पकड़ने की जो नेट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, मैसेज. तो उसकी जो जाल थी, एक बड़े से नेट की जाल के अंदर उन्होंने इस खुद को पाया. देयर वाज मच फ्लैमरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वाज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वॉटर इनटू द सनलाइट. अब क्या हुआ, देयर वाज मच फ्लैमरिंग. फ्लैमरिंग का मीनिंग हमने लिखा हुआ था, आपको नोटबुक अपने पास रखनी है. तो किचन में जो तरफड़ना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैमरिंग, है ना. फ्लैमरिंग मीन्स माइंड से स्ट्रगल करना, ओके. एंड छिड़कना, स्प्लैशिंग यानी छिड़कना, एज द नेट वाज ड्रॉन आउट ऑफ द वॉटर. वॉटर में ऊपर से वॉटर में क्या करती है, नेट है वो गिरती है. एंड इनटू द सनलाइट, और सनलाइट के अंदर, सनलाइट थी इसलिए नेट है वो उनके ऊपर गिर रही है, गिरती है. और जो सभी मछलियां हैं जो तैर रही थी वो अपने आप को नेट में पाती है, मीन्स कि वो नेट में जाल में फंस जाती है और वो बाहर निकलने के लिए क्या करती है, फ्लाउंडरिंग करती है, यानी कि स्ट्रगल करती है, कैसे करके हम नेट में से बाहर आए, है ना. वो फंस गई थी इसीलिए वो बाहर आने के लिए सभी मछलियां है वो ट्राई कर रही थी. एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, और जो इट्स हॉल, है ना, तो ये जो उसका जो होल है वो क्या हो गया, बोट के अंदर एम्प्टी हो गया. ये जो पूरा जाल है जिसमें मछलियां फंसी हुई थी वो सब, उसको हम क्या बोलेंगे, होल, वो सब बोट के अंदर खाली हो गया. स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मेज एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वॉटर. अब क्या हुआ, सभी मछलियां, है ना, वो
लार्जर जो मछलियां थी वो सभी मेसिस के अंदर फंस गई, लेकिन ये जो छोटी थी वो अपनी अपने साइज की वजह से उसमें से क्या हो गई, मेस में से निकल गई, है ना। क्यों निकल पाई, क्योंकि उसकी साइज है वो कैसी थी, स्मॉल थी। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल थ्रू द मेस, उसको मेस में से छुटकारा मिल गया। एंड सिप्ड, सिप्ड यानी ट्विस्टेड जो मूवमेंट होता है वॉटर के अंदर, ऐसे ट्विस्ट ट्विस्ट करके मूव करके वो कूल एंड क्लियर वॉटर के अंदर क्या हो गई, वापस चली गई। हाउ गुड इट फेल, अब वो इतना अच्छा फेल कर रहा था, क्योंकि पहले वो क्या था, सैड था, है ना, लेकिन अब वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। क्यों, बिकॉज वो अपने साइज की वजह से ही मेस में से बच पाया, है ना। ये जो सभी मछलियां है जो बड़ी बड़ी फिश है उसको तो बोट में एम्प्टी कर दिया गया, इसलिए पानी में से अगर मछली को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगी, है ना। इसीलिए जो छोटी मछली थी वो बच गई, इसलिए वो अच्छा फील कर रहा था। ही सेम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, यहाँ वहाँ सभी जगह पे स्विम करने लगा, तैरने लगा। एंड सम ऑफ द फिश वो न्यू ही, और जो इसमें से कुछ फिश है जो उनको उसको जानती थी, उन फिशों ने वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जितनी लाइफ उनके साथ रही है उससे वो सभी मछलियां हैं वो मछली को ऑलरेडी जानती थी। तो सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट, और वो क्या कहने लगी कि उन्होंने कभी भी ये जो मछली है उसको कभी भी कहते हुए नहीं सुना है कि ही विश्ड टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश, है ना। वो जो पहले है वो क्या विश करता रहता था कि मैं बहुत ही छोटी हूँ, काश मैं बहुत ही छोटा हूँ, काश मैं बड़ा होता, है ना। अभी ये जो मछली, दूसरी जो मछली उनको जानती थी, उसने कभी भी ऐसा नहीं सुना है कि काश वो लार्ज होता, है ना। वो सब कुछ बनने के लिए तैयार था बट अ लिटिल फिश, लेकिन वो लिटिल फिश है वो बनने के लिए तैयार था। सो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो फिश है वो अपनी साइज की वजह से सेट रहता था, तो साइज है वो जो मिली है वो अच्छे के लिए मिली है। सो हमें भी कभी भी सैड नहीं रहना चाहिए, हमारी कोई भी ऐसी थीम हो जिससे हमें हम हैप्पी ना हो, उससे हमें अनहैप्पी नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी मिला है वो सब नेचुरली मिला हुआ है, और नेचर ने जो दिया है वो अच्छे के लिए ही दिया होगा, ये आपको मानना है, और कभी भी गलती फील नहीं करनी है। ओके, जो न्यू वर्ड्स है ऑलरेडी हमने मीनिंग से वो लर्न कर लिए हैं। नाउ इट्स रीडिंग इज फन टॉपिक, दिस टॉपिक देर आर क्वेश्चन एंड आंसर, सो वी विल राइट द क्वेश्चन एंड आंसर, सो टेक अप योर नोटबुक ऑल्सो टू राइट द क्वेश्चन आंसर।
लिटल फिश है वो अनहैप्पी क्यों था, है ना, अनहैप्पी क्यों था? आंसर इज Write this question and answer.